हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका नोडल ग्रुप में। तो आज आप लोगों को हम लाइव क्लास से रूबरू कराते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। साथ ही हमारे बच्चे भी हैं जो हमारी सहायता करेंगे, है ना? देखते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 3a plus 2b into 4a minus b plus 3c plus 5a minus 2b into c। इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है। सरल करने के क्रम में देखते हैं क्या होता है, है ना? जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जो पद दिया है, इसमें पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या कितनी है इसमें? दो, है ना? पदों की संख्या कितनी है? दो। और हमें गुणा करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले एक पद से बारी बारी से इन सभी में, जैसे कि 3a से 4a में गुणा करेंगे। बताओ, तीन चौको 12। a में a से गुना होगा तो a का पावर 1 और a का पावर 1 कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि गुना में क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? तो फिर आगे फिर इसी 3 वाले डिजिट से 3a से सेकेंड वाले पद में गुना करेंगे, है ना? यही प्रोसेस है ना? फिर 3 से जब गुना करोगे 3 बन जा 3। लेकिन पहले हमें सिंबल डिसाइड करना होगा। बताओ, प्लस माइनस? माइनस। और 3 बन जा 3। ए में गुना करोगे बी से, दोनों अलग अलग पद हैं तो क्या आपस में गुना होंगे? नहीं। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? ए और बी, ए गुने बी। चलिए, इसके बाद फिर अब यहाँ पे एक पद और बाकी है, तो इसके प्रथम पद से ही हम लोग फिर इसमें गुना करेंगे। चलिए करिए। तो प्लस प्लस, प्लस, है ना? और 3 तिरको 9। ए में सी से गुना करोगे क्या हो जाएगा? ए सी, है ना? तो ये पहला वाले पद से सभी पद में इसमें गुना हो चुका है। फिर अब हम इसके सेकेंड वाला पद जो है उससे बारी बारी से सभी पदों में गुना करेंगे। ये प्रोसेस है, हाँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस, प्लस, दो चौको 8। और ये देखो, बी है और ए है, बी है और ए। तो बी ए लिख सकते हैं, और बी ए को सुटेबल तरीके से जैसे 4 × 5 तुम लिखो तो इसका आंसर क्या आता है? 20। तो 5 × 4 करो तो इसका आंसर क्या आता है? 20। यानी कि गुना में पदों को हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से हम लोग इसको सुटेबल बनाने के लिए क्या कर लेते हैं? ए गुने बी लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से इस पद से 2a से किसमें गुना होगा? 2b से 2b में गुना होगा। चलो करो। तो यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस, 2 से 2 बन जा 2। b का करोगे b का पावर 1 और b का पावर 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? b का पावर 2। चलिए अब तीसरे पद में इससे गुना करेंगे, है ना? तो बताइए, प्लस प्लस, प्लस का सिंबल, 2 तीर का, और फिर b है और c है तो क्या हो जाएगा? bc हो जाएगा। क्या हो जाएगा? bc, है ना? फिर आगे देखना क्वेश्चन में। अब यहाँ से एक अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें देता है, प्लस का सिंबल है, हम लोग क्या दे देते हैं? प्लस का सिंबल। और फिर वही प्रोसेस, बारी बारी से बाहर वाले पद से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। तो करो, तो 1c है, यानी c है सिर्फ, तो c से गुना करोगे प्लस प्लस, ऐसे सिंबल आ जाएगा। 15 जा 5 हो जाएगा। a में c से गुना करोगे क्या हो जाएगा? ac हो जाएगा। चलो आगे, प्लस माइनस, माइनस, अच्छा, 2a कम 2, और b में c से गुना करोगे क्या हो जाएगा? bc हो जाएगा। हो गया? अब देखो, ऐसा है कि ये समीकरण हमारा यहाँ पे जो है आ चुका है, है ना? अब इसे हमें करना क्या है कि जैसे कि सजातीय चीज होते हैं, जैसे एक जाति के जो जो हैं उनको एक साथ जो अगर जोड़ घटाओ करके अगर उसकी संख्या कम हो जाती है तो कम कर लेंगे। ऐसा करने से क्या हमें मिलेगा? कोई भी चीज, मान लो कि एक कंपनी का कोई चीज है, पार्ले जी का बिस्किट लिए हो, है ना, 2 को 3 को अलग अलग रखा है, एक जगह छल्ली लगा देगा तो बढ़िया लगेगा ना, जगह भी कम घेरेगा, है ना? और अलग मान लो कि किसी ब्रिटेनिया का अलग कोई कंपनी का बिस्किट है, उसका छल्ली एक जगह लगा दो और बेहतर लगेगा, मतलब जगह भी कम लेगा और दिखेगा भी बढ़िया। उसी तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं, है ना? तो करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन से जाति का है? A स्क्वायर। क्या इसमें कहीं और A स्क्वायर है? ये क्या लिखा जाएगा? 12।
ए स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्या है अगला पद, माइनस थ्री ए बी, तो ए बी जाति का यहाँ पे दिख रहा है। चलो तो तीन रुपया ये क्या था, कर्ज में था, किसमें था, कर्ज में था, है ना, और कै रुपये कमा के लाया है, आठ रुपया, तो बताओ कितना रुपये इसके पास बच जाएगा, फाइव ए बी, क्या बचेगा, फाइव ए बी। चलो यहाँ पे देखो एसी जाति का है और यहाँ भी तुम्हारा एसी जाति का, सेम जाति का मिल रहा है, क्या करेंगे बताओ, नौ रुपया कमा के लाया है और पांच रुपया ये भी कमा कर ही लाया है, कितना हो गया, जुट जाएंगे, और एसी है तो क्या हो जाएगा, चौदह एसी, है ना। अब देखना जरा इसमें बी स्क्वायर वाला पद है कहीं और नहीं, तो जैसा है ये पद वैसा ही बिल्कुल लाकर यहाँ माइनस टू बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर बीसी देखो, यहाँ पे प्लस में सिक्स बीसी है और यहाँ माइनस में टू बीसी है, है ना, बीसी है ना जी, कैटेगरी का है, तो इसको क्या करेंगे, छह रुपया मान लो कमाया था, दो रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया, के रुपए बचे इसके पास, चार, क्या चीज, बीसी, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या रहा, ये देखना ध्यान से, कमाई वाला ज्यादा है तो ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, समझ आ रहा है, चलिए धन्यवाद।